हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए थर्ड ग्रेड मेंस की जो साइंस का सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। और अगर हम थर्ड ग्रेड की क्लासेस की बात करें दोस्तों, तो हमने सबसे पहले कोशिका की संरचना और कोशिका के प्रकार के बारे में बात करी थी। उसके बाद में अपन ने फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, बल एवं गति के नियम, जिसको अपन ने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ में समझ लिया है। आज अपन फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक किया करें, ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए लगातार और सभी क्लासेस पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाए। जिस प्रकार से हमने रीट लेवल 2 का कंप्लीट मैथ्स 102 वीडियो के अंदर अवेलेबल करवाया था, वैसे ही हमारा टारगेट है कि थर्ड ग्रेड मेंस का भी हम जो है कंप्लीट सिलेबस साइंस और मैथ्स का पूरा अवेलेबल करवाए। मैथ्स का हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया है और साइंस के अंदर भी अपन टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं। अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत धारा एवं परिपथ के बारे में, ओम के नियम वाला, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, विद्युत धारा के जो तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज री क्लास आप स्टार्ट करो। तो सब्रे सगला रहे, सपोर्ट थी और राजस्थान एकेडमी जो आगे बढ़े रही है, इंडरमाए आप सब्रो जो है बहुत बहुत योगदान है, अंडे वास्ते आप सब्रो बहुत बहुत धन्यवाद। न चलो आज री क्लास ओपे करो सालू। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कौन सा वाला, विद्युत धारा परिपथ ओम के नियम वाला। ठीक है, तो आप इसके नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाते हुए चलिएगा। जिस प्रकार से अपन ने पिछले 2 टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं, उसी प्रकार से अपन इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हुए समझेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि विद्युत धारा होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अपन जो है थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि ये जो अपना जो टॉपिक दे रखा है, जो अपने सिलेबस में मेंशन ये अपना पूरा जो टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लेते हैं। जैसे कि अगर दोस्तों बात की जाए तो आपको थोड़ी बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, 2 आवेश होते हैं, आपको पता होने चाहिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इसके बाद में जो अपने पदार्थ होते हैं उन्हें अपन ने 3 भागों में बांट रखा है, चालक यानी कि कंडक्टर, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर यानी अचालक। तो ये जो चालक है उसके अंदर आवेशों का प्रवाह आसानी से हो जाता है, अचालक के अंदर आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा सा तो प्रवाह होता है चालक आवेशों का, और थोड़ा नहीं होता है, मतलब अगर थोड़ी सी उसको टेम्परेचर वगैरह दिया जाए तो वो वहाँ से भी जो है आवेशों का प्रवाह करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, तो वो जो उपधातु होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सब जो है अर्धचालकों के लगभग एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में जो विद्युत आवेश होते हैं, तो 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में कूलम ने बताया था, इसलिए उसे कूलम का नियम भी कहते हैं। आपने कूलम के नियम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन ने कूलम के नियम वगैरह क्या होते हैं, इससे विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। फिर आपके जो है विभव अंतर क्या होता है, तो एक कूलम धनावेश को अगर आप विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के आते हैं तो उसमें किया गया जो कार्य होता है उसे आप विभवांतर कहते हैं, और विभवांतर जो है उसकी यूनिट वोल्ट होती है, ये एक अदिश राशि होती है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी होगी। अब अपन जानते हैं कि आखिर में ये विद्युत धारा है क्या और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें काम आने वाली है। जो भी चीज़ें पीछे की थोड़ी बहुत यूज होगी वो मैं आपको बताते चलूँगा। तो आप लिखिए विद्युत धारा, क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, विद्युत धारा। विद्युत धारा को आप इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं।
तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है बेसिकली होता क्या है, तो दोस्तों जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, या आप ये कह सकते हो कि किसी भी चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर आवेशों का जो प्रवाह होता है उससे विद्युत धारा डेवलप होती है, या उस प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि किसी चालक, किसी चालक में आवेशों का प्रवाह, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो है उसे आप करंट कहते हो। तो किसी चालक में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। किसी भी चालक में आवेशों का जो प्रवाह है उसे आप विद्युत धारा कहेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो विद्युत धारा है, ये जो करंट है, ये करंट हमेशा आपके निम्न धारा से उच्च धारा की ओर, निम्न विभव से, धारा जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो आप लिखेंगे धारा निम्न विभव, यानी लो पोटेंशियल LP। अब ये याद रखना कि निम्न विभव को अपन ने लो पोटेंशियल LP कहा है, तो आगे मैं कहीं LP लिखूं तो आप समझ जाइएगा। तो निम्न विभव से उच्च विभव का मतलब है हाई पोटेंशियल HP, हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो हमेशा धारा यानी कि करंट जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है, क्लियर है। और आपको धारा के बारे में ये याद रखना है कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है, समझे बात। तो धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा उसके विपरीत दिशा में होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि धारा के प्रवाह की दिशा का मतलब है धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा, समझ में आ गई बात। तो ये पॉइंट नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन याद रखना है कि विद्युत धारा का मतलब क्या है, किसी भी चालक में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। धारा हमेशा निम्न विभव से यानी लो पोटेंशियल से उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अगर ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में आपका धारा जाती है तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि धारा जो जाएगी वो पॉजिटिव जो आपके आवेश होंगे धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है, ये बात आप कह सकते हो। तीसरा आप लिखेंगे कि धारा के पास परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण एवं दिशा, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों होने के
बाद भी, होने के बाद भी विद्युत धारा अदिश राशि है, क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है। समझ में आ गई बात? तो धारा जो है इसके पास में देखो भाई डायरेक्शन भी है ना, कि पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में जाती है ये, या इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में ये जाती है। तो इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, है ना। करंट के पास में भाई 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर मैग्नीट्यूड भी होता है। लेकिन ये दोनों चीज होने के बावजूद भी ये अदिश है, क्योंकि अदिश और सदिश में डिफरेंस क्या था अपन ने देखा था, सदिश के पास में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, अदिश के पास में केवल परिमाण होता है दिशा नहीं। लेकिन धारा के पास में दोनों है फिर भी ये अदिश होती है, क्योंकि ये जो आपके वेक्टर सम यानी सदिशों के योग के दो नियम है, एक है चतुर्भुज का नियम और एक है आपके त्रिभुज का नियम। तो ये जो धारा है वो त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करती है, इस वजह से ये एक अदिश राशि है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? और आपको याद रखना है कि जो ठोस चालक होते हैं यानी कि सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर विद्युत प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। द्रवों के अंदर जो है वो आपके आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही होते हैं, और जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। क्या होते हैं? होल होते हैं। तो इनकी वजह से विद्युत का प्रवाह होता है। तो ठोस के अंदर विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन की वजह से, द्रव के अंदर आयन और इलेक्ट्रॉन की वजह से, और आपके सॉलिड सेमीकंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से ये होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब अपने दोस्तों जो है आपके बात करते हैं करंट के टाइप्स जो है, करंट दो प्रकार के होते हैं, आपने नाम सुना होगा, एक है एसी, एक होता है डीसी। डीसी का मतलब होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, और एक होता है एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। इन दोनों को समझने से पहले मैं आपको विद्युत परिपथ के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके सिलेबस में विद्युत धारा तथा परिपथ है, तो पहले यहाँ पर परिपथ जान लीजिए ताकि इसके टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब परिपथ क्या होता है बेसिकली? तो आपके विद्युत धारा के द्वारा जो क्लोज्ड लूप बनता है, क्लोज्ड या आप कह सकते हैं बंद जो आपका आकृति बनेगी या बंद गोला बन जाए, आपका सर्किट बन जाए, उसे हम कहते हैं परिपथ। क्या कहते हैं? आपका जब विद्युत धारा के द्वारा एक क्लोज्ड लूप, बंद आपका जो है लूप, यानी आप कह सकते हैं कि सर्कल टाइप का या वृत्त टाइप का, या आप ये कह सकते हैं कि बंद आकृति बनती है, उसे कहा जाता है सर्किट या परिपथ। इसमें क्या होगा बेसिकली, जैसे ये वायर है, यहाँ अपन ने एक क्या जोड़ दी? बैटरी। बैटरी के आगे अपन ने जोड़ दी की। की के अपन ने आगे जोड़ दिया बल्ब, ठीक है, और बल्ब के अंदर अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ये जोड़ दिया अपन ने प्रतिरोध। प्रतिरोध के अपन ने अंदर ये जोड़ दिया अमीटर, ये जोड़ दिया अपन ने वोल्ट मीटर। तो ये जो पूरा जुड़ करके ये डायग्राम जो आपके सामने बना है, इस डायग्राम को कहा जाता है परिपथ। क्या कहा जाता है? परिपथ। ये है की, ये है बल्ब, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वोल्ट मीटर का, ये पॉजिटिव अमीटर का, ये नेगेटिव, और ये आपका रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? प्रतिरोध। तो ये होता है परिपथ। परिपथ केवल इतना ही है आपको याद रखना है। एक आप नाम पढ़ोगे शॉर्ट सर्किट, क्या पढ़ते हो? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का बेसिकली मीनिंग होता है जब आपके यहाँ से सपोज करिए ये वायर टूट जाए, या सपोज करिए यहाँ से ये वायर टूट जाए, यानी जब आपके बैटरी के
पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जुड़ करके पूरा जो एक क्लोज्ड लूप बना रहे थे उसको कोई बीच में से कहीं से तोड़ दे, कहीं से करंट निकलने का मार्ग उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहा जाता है शॉर्ट सर्किट। ये है परिपथ। अब अपने करंट के जो दो टाइप्स है उनकी बात करते हैं। लिखेंगे आप तो धारा के प्रकार, धारा के कितने प्रकार हैं, तो धारा के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला प्रकार कौन सा है? तो पहला प्रकार है दोस्तों आप लोगों के दिष्ट धारा। कौन सा है? दिष्ट धारा, जिसे हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। और दूसरा प्रकार आता है आपके प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गई बात? चलिए, और इन दोनों के बारे में अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले आप एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिख लीजिए कि ये जो धारा होती है इस धारा का मात्रक क्या है। ठीक है, तो धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। क्या होता है धारा का मात्रक? एम्पियर। और एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? चलो अब अपन दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करते हैं। तो पहला आप लिखेंगे दिष्ट धारा, इंग्लिश वाले लिखेंगे डायरेक्ट करंट। और इस दिष्ट धारा के बारे में अपन बात करते हैं। तो जो दोस्तों अपन ने पीछे अभी परिपथ देखा, क्या देखा? परिपथ देखा। उस परिपथ के अंदर अगर धारा एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही दिशा के अंदर बहती है या एक ही दिशा में होती है तो उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, और यदि इसी परिपथ में धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे, आगे और पीछे होता है, यानी एक बार आपका धारा ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही है, एक बार आगे जा रही है, एक बार पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस प्रकार से होता है, यानी कि करंट जो है सीधा सीधा न जा करके एक बार आगे जाएगा, फिर वापस पीछे आएगा, फिर वापस जाएगा आगे, ऐसे आगे पीछे होते होते आगे बढ़ता है, तो आप कहते हैं कि ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट के अंदर गिनी जाएगी। ठीक है, चलो तो आप दिष्ट धारा की डेफिनेशन लिखेंगे, यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है, एक ही दिशा में होता रहता है, तो इसे दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। समझ में आ गई बात? और इसी प्रकार से आप आगे लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट एसी की बात कर रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या है? आप लिखेंगे यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में, यानी एक बार आगे तो एक बार पीछे, ऐसे क्रम में, तो उसे कहा जाएगा एकांतर क्रम में समानांतर, एकांतर क्रम में समानांतर रूप से
आगे और पीछे, आगे और पीछे होता है, हो तो ऐसी ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और एसी डीसी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं आगे कि आपका अगर किसी करंट से, सॉरी किसी वायर से, आप ये पॉइंट लिखेंगे, किसी चालक से एक एम्पियर 1A धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, अगर किसी चालक से, किसी कंडक्टर से ये कहा जाए कि एक एम्पियर करंट, कितना? एक एम्पियर करंट प्रवाहित हो रहा है, तो एक एम्पियर करंट प्रवाहित होने का मतलब है कि उसमें से एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो एक सेकेंड में उससे, दोस्तों आप लोगों के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे जल्दी से बताइए, तो एक सेकेंड में 6.25 गुणा 10^18 इलेक्ट्रॉन, कितने? 10^18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो मैंने आपको क्या बताया, क्लियर हो गया ना? एक एम्पियर धारा का मतलब है एक सेकेंड में 6.25 गुणा 10^18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उस चालक से। क्लियर है? चलिए भाई, तो अब दोस्तों अपना जो है ये था विद्युत धारा, कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा के कितने प्रकार है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और एक एम्पियर का मतलब क्या है, ये बातें आप लोगों के लिए समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए, आप और एक चीज़ लिख सकते हैं जो अपने आगे काम आ सकती है कि सेल या जनित्र से जो है आप किस प्रकार से, या इसका क्या उपयोग है ये आपसे पूछा जाए, तो किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर धारा का प्रवाह अगर हमें लगातार करवाना है तो उसके लिए हमें EMF की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, EMF जो है, वो हमें सेल या जनरेटर से मिलता है। ये बात आप अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में धारा का लगातार प्रवाह प्राप्त करने के लिए विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आवश्यकता होती है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत सेल या जनित्र यानी जनरेटर से प्राप्त किया जाता है। ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों ने अब विद्युत धारा को थ्योरेटिकल तो देख लिया और विद्युत धारा की डेफिनेशन भी देख ली, कि अपन ने विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या दी है कि किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाला जो आवेश है उसके प्रवाह को अपन क्या कहेंगे, अपने विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, और अपन ने ये भी देखा कि एक एम्पियर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब है कि उस तार से एक सेकेंड में 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि भाई आपके
आवेश के प्रवाह की दर जो होती है वो धारा होती है। तो I बराबर क्यू अपॉन में टी लिखा जा सकता है या नहीं? लिख सकते हैं ना भाई, I बराबर क्यू अपॉन में टी नहीं लिख सकते क्या? तो I बराबर क्यू अपॉन टी का मतलब है I होता है धारा, ठीक है, और धारा बराबर अपने क्या हो जाएगा, तो आवेश, और आवेश बटे समय क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय, यानी कि प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ये समझ में आ गई बात यहाँ तक की? चलिए अब अपन बात करते हैं आगे। तो I बराबर क्यू अपॉन में टी है, यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि धारा का मात्रक जो एम्पियर है वो एम्पियर इक्वल होता है कूलम प्रति सेकेंड के, यानी अगर आपको कहीं पर ये कहा जाए कि 5 एम्पियर, तो उसकी जगह आप ये भी कह सकते हो कि 5 कूलम चार्ज जा रहा है 1 सेकेंड के अंदर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो I बराबर क्यू अपॉन में टी जो ये फॉर्मूला है इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है ना। चलो और आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर ये जो Q है ये Q बराबर आप प्लस माइनस एन ई भी लिख सकते हो, क्योंकि आवेश जो होता है उस आवेश की आयनीकरण जो गुणधर्म होता है या क्वांटाइजेशन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग हमेशा आवेश इलेक्ट्रॉन का एक पूर्णांक मल्टीपल होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होगा उस आवेश का हमेशा 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 एक पूर्णांक मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर n जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, और e की वैल्यू होती है आपके कितनी दोस्तों, तो 1.6×10⁻¹⁸ कूलम, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना उसकी बात की जाती है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। आप लिखेंगे यदि किसी चालक, यदि किसी चालक से 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो उससे प्रवाहित आवेश होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि आपके पास में कोई एक चालक है, उस चालक को आप लेकर के बैठ गए और उस चालक में से आपने 10 मिनट के लिए, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर करंट प्रवाहित करवा दिया, तो बताओ उसमें से आवेश कितना प्रवाहित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये होते हैं न्यूमेरिकल, जो फिजिक्स के अंदर आपका जो ये पोर्शन है उससे कई बार हर एग्जाम के अंदर LDC एग्जाम तक में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो आप तो एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल के, मतलब एडवांस मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं, IIT लेवल के नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको न्यूमेरिकल्स के प्रति जो है आपकी समझ विकसित होनी चाहिए और आप न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकें, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल के फिजिक्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते है, इसलिए। समझ में आ गई बात? तो अब ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, देखिए अपन ने देखा कि सबसे पहले क्वेश्चन में धारा दे रखी है, एक तो क्या दे रखा है, धारा दे रखी है, और एक दे रखा है समय, और अपन से पूछ रहा है आवेश। तो बताइए आवेश धारा और समय में कोई संबंध आपको याद है क्या? जब भी आपको फिजिक्स वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल मिले ना तो आप क्या करोगे, उस न्यूमेरिकल को पढ़ो और उसके अंदर दी गई जो जो क्वांटिटी है वो लिखो और जो पूछी गई है वो क्वांटिटी लिखो। तो देखो भाई दिया क्या है, I कितना दिया है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 10
मिनट और आपसे क्यू पूछा है। तो आई, क्यू और टी में एक रिलेशन होता है जो अभी ऊपर ही लिखा है, आई बराबर क्यू अपॉन में टी। ठीक है, अपन ने देखा था कि एम्पियर क्या होता है, कूलम पर सेकेंड, यानी ये एम्पियर है तो ये मिनट को मुझे सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 600 सेकेंड। तो अब देखो इधर से अपने Q बराबर हो जाएगा आई टी। ठीक है, तो Q बराबर, I की वैल्यू कितनी है, तो I की वैल्यू है 0.5, T की वैल्यू कितनी है 600 सेकेंड। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 कटा, 300 कूलम, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर 300 कूलम चार्ज जो है वो प्रवाहित हो गया। कितना? 300 कूलम चार्ज प्रवाहित हो गया 10 मिनट के अंदर, जब अपन ने उससे कितनी धारा प्रवाहित करी, कितनी धारा प्रवाहित करी, तो अपन ने 0.5 एम्पियर जब धारा प्रवाहित करी, तब वो इतने कूलम चार्ज को जो है प्रवाहित कर जाता है। इस प्रकार के आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं विद्युत धारा वाले टॉपिक में, और भी आगे जो अपन अभी देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन वगैरह जो है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उनसे बनने वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। तो अब दोस्तों अपन मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज की ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए जो अगली क्लास है वो इससे भी बेहतर लाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय दोस्तों।